हेलो एवरी वन एंड वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज वी आर ऑल गेयरिंग अप फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ट्वेंटी फिफ्थ को नोटिफिकेशन लाइव हो जाएगी ऑनलाइन ओके सो पेपर तो होना ही है दोस्तों अब एंड सोशल सिक्योरिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट एंगल रहेगा आपका ए ओ ई ओ ए पी एफ सी दोनों एग्जाम्स के लिए सो वेरी इंपॉर्टेंट इट इज कि हम सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम्स को अभी डिस्कस करना शुरू करें सोशल सिक्योरिटी के पहले भी काफी सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं ट्रांसजेंडर एक्ट वगैरह के ऊपर भी वीडियोज डली हुई हैं वो सारी वीडियो रेलिवेंट है तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा वो ऑलरेडी डली हुई हैं इस सेम प्ले लिस्ट के अंदर तो वो सारे लेक्चर्स भी देखें जो पिछले साल डले थे वो भी इक्वली रेलिवेंट है तो सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम्स को डिस्कस करेंगे शॉर्ट लेक्चर्स रहेंगे एक एक स्कीम Uh, को डिस्कस करेंगे एंड स्पेसिफिक फोकस रहेगा एमसीक्यू टाइप पॉइंटर्स को यहां पर डिस्कस कर रहा करना ताकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो पीडीएफ इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से मिल जाएगा एक माइन्यूट सी पेमेंट के बाद आ, वो मैं आपको रीजन पहले भी दे चुका हूं कि सीरियसनेस रहनी चाहिए अदरवाइज लेक्चर्स फ्री हैं आप हैंड रिटन नोट्स जो है उसको बना सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हो बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए अगर आप पीपीटी जो ये फाइल जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ चाहते हो तो वो आपको मिल जाएगी लिंक के ऊपर जाने से ओके okay. एंड कोई भी दिक्कत होती है टेलीग्राम ग्रुप भी लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में वो ज्वाइन कर सकते हो तो इस लेक्चर में हम जो स्कीम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर इज योर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भी अच्छे से याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पेपर के अंदर ना वो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ लेगा कि वो फुल फॉर्म नहीं देगा वो सिर्फ पी एम एस वाई एम लिख देगा ठीक है तो वहां पर अपने पास एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ यार पी एम एस वाई एम होता क्या है तो ओल्ड एज प्रोटेक्शन स्कीम है 2019 में सरकार ने इसको शुरू किया था ठीक है तो इस स्कीम के अंदर है क्या क्या वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ठीक है आपने देखा होगा स्कीम सेंट्रल सेक्टर होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है इसके अंदर सारे का सारा काम जो है सारे के सारे पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और मैनेजमेंट जो है वो भी सेंट्रल लेवल पे ही हो रही है स्टेट गवर्नमेंट से हम किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं ले रहे हैं ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बेसिकली इस स्कीम को एडमिनिस्टर करता है मिनिस्ट्री भी पता होनी चाहिए वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड है उसके अंदर वो इस टाइप की स्टेटमेंट डाल देगा कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है स्टेटमेंट नंबर वन स्टेटमेंट नंबर टू डाल देगा इट इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इस तरह की स्टेटमेंट डाल देगा ठीक है उसके बाद इम्प्लीमेंट कौन करता है ये भी इंपॉर्टेंट है एल को इसकी इम्प्लीमेंटेशन दी हुई है और जो आपके कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं जॉइंटली एल प्लस सी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है यानी कि एक किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है स्कीम ज्वाइन करने का वॉलेंट्री बेसिस पे आप ज्वाइन कर सकते हो और कॉन्ट्रीब्यूटरी का क्या मतलब होता है कि जो बेनिफिशियरी है वो भी एक सर्टन अमाउंट जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इस स्कीम के अंदर ठीक है कॉन्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से रहेगा वो मैं आपको भी बताऊंगा तो कंट्रीब्यूशन जो है वो पचपन रुपए से दो हज, दो सौ रुपए तक की रेंज के अंदर हो सकता है वो अब एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी मंथली uh, इनकम के हिसाब से कितना इस स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो पचपन रुपए भी कंट्रीब्यूट कर सकता है दो सौ रुपए भी लेकिन इसके अंदर एज फैक्टर भी आ जाता है ठीक है कि किस एज के अंदर वो एंटर कर रहा है ठीक है अब इसके अंदर एंट्री एज क्यों एक फैक्टर आ जाता है पचपन से दो सौ रुपये में ये मैं आपको भी बताता हूं क्यों होता है वो अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे ठीक है अब जितना पैसा टोटल जो कंट्रीब्यूशन होगा फिफ्टी परसेंट मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी पेबल बाय द बेनिफिशियरी और उतना ही अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का सौ रुपए आता है एज के हिसाब से तो उस सौ रुपए में से पचास रुपए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी और पचास रुपए जो है वो इंडिविजुअल पे करेगा एज फैक्टर क्यों है वो मैं आपको समझा देता हूं अब देखो इसके अंदर स्कीम के अंदर बेसिकली बोला क्या जा रहा है बेनिफिट्स वाली स्लाइड के ऊपर आ जाओ स्कीम के अंदर बोला क्या जा रहा है कि जब 60 साल की उम्र हो जाएगी ना उसके बाद बेनिफिशरीज को मिनिमम मंथली एश्योर्ड पेंशन देनी है तीन हजार रुपए मिनिमम मंथली एश्योर्ड पेंशन कितनी मिलेगी तीन हजार रुपये तीन हजार रुपये तो मिलेगी ही मिलेगी ओके okay, तो अब अल्टीमेटली फॉर एग्जाम्पल कोई चालीस साल की उम्र में जाकर के इसको ज्वाइन कर रहा है या पैंतीस साल की उम्र में ज्वाइन कर रहा है तो उसको पैसा भरना है साठ साल की उम्र तक अब अल्टीमेटली इसके अंदर क्या होगा कि अगर वो साठ साल की उम्र तक पचपन पचपन रुपए वाला कॉन्ट्रीब्यूशन देगा तो वो उसकी इतनी पेंशन इकट्ठी ही, ही नहीं होगी कि उसको मिनिमम तीन हजार मिल पाए तो इसीलिए सरकार ने सिस्टम ऐसे बनाया है कि यार देखो आप इतना पैसा डालो इतना पैसा पचपन से दो सौ की रेंज इसीलिए सेट की गई है ताकि इतना पैसा डाला जाए कि कम से कम उसको तीन हजार की पेंशन मिले ठीक है कम से कम उसको तीन हजार की पेंशन मिले उससे कम नहीं होनी चाहिए हाँ अब कोई अट्ठारह साल की उम्र में अब इस स्कीम को ज्वाइन करता है तो वो अगर पचपन रुपए भी डालेगा तब भी उसका पेंशन पूरा हो जाएगा मिनिमम तीन हजार वाला लेकिन उसको लगता है कि नहीं यार मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो उसके पास ऑप्शन है कि वो दो हजार रुपये दो सौ रुपए डाल ले ठीक है या सौ रुपए डाल दे वो सरकार उसको लिमिट नहीं कर रही कि भाई तू पचपन ही डालेगा क्योंकि तेरे तू अट्ठारह में ज्वाइन कर रहा है तो उसकी पेंशन उस हिसाब से ज्यादा बन जाएगी जब वो रिटायर होगा सिक्सटी की एज में ठीक है तो एक तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें इस स्कीम को ज्वाइन सिर्फ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स कर सकते हैं यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्कर्स हैं कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स हैं ठीक है लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैंडलूम मिड डे मील रिक्शा ऑटो व्हीलर ठीक है रैग पिकर्स जो होते हैं कारपेंटर फिशरमैन बेसिकली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके लिए ये स्कीम है 18 से 40 की उम्र के बीच में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो 40 से ऊपर या 18 से नीचे की एज में आप नहीं ज्वाइन कर सकते और जिस एज ग्रुप में आप ज्वाइन कर रहे हो उस एज ग्रुप के हिसाब से आपका जो मिनिमम मंथली पेंशन है वो डिसाइड होगा मंथली इनकम जो इस स्कीम को ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी मंथली इनकम पंद्रह हजार से कम की होनी चाहिए पंद्रह हजार से ज्यादा इनकम वाले इसको ज्वाइन नहीं कर सकते और वो ऑलरेडी किसी भी ईपीएफओ, ईएसआईसी या एन एनपीएस के मेंबर नहीं होने चाहिए अगर वो ईएसआईसी या एनपीएस में से किसी भी स्कीम के मेंबर हैं ऑलरेडी तो भी वो इस पी एम एस वाई एम को ज्वाइन नहीं कर सकते ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर पूछेगा वो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो बेनिफिट्स मैंने आपको पहले ही बताया साठ साल की उम्र के बाद मिनिमम मंथली अश्योर पेंशन मिलेगी तीन हजार की अब अगर ऐसा होता है कि डेथ हो जाती है जो बेनिफिशियरी है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो स्पाउस है यानी कि मिया बीवी जो भी जो पार्टनर है उसको फिफ्टी परसेंट मंथली पेंशन मिलेगी यानी कि अगर तीन हजार मिल रही थी तो पंद्रह सौ मिलेगी स्पाउस को आफ्टर डेथ अगर मिया बीवी दोनों ने ज्वाइन किया हुआ है हस्बैंड वाइफ दोनों भी स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो एलिजिबल है तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि दोनों को तीन हजार ही मिलेगी दोनों को तीन तीन हजार मिलकर यानी कि टोटल मंथली जो है वो छह हजार होगी तो सरकार तो कह रही है कि दोनों ज्वाइन करो ठीक है ताकि तुम्हारा जो मंथली इनकम है वो इम्प्रूव हो जाए तो ये आपके इस स्कीम के बेनिफिट है सो दिस वॉज द क्विक स्कीम छोटी सी स्कीम है लेकिन पॉइंटर्स जो है छोटे छोटे वो काफी सारे हैं डिटेल्स जो है वो काफी सारी है जो याद रखना बहुत जरूरी है एंट्री एज मिनिमम कितना है ठीक है मंथली इनकम किससे कम होना चाहिए कौन कौन इसको ज्वाइन कर सकता है कौन नहीं ज्वाइन कर सकता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है कौन इसको रन करता है तो ये सारी पॉइंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है इसी तरीके से शॉर्ट में हम ये वेलफेयर uh, स्कीम्स को अप कर देंगे और राइट टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और भी कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलेगा आपको टेक केयर एंड बाय